मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है सभी को? ओके। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आमंत्रित किया। आप सबके साथ मैं 2 दिन रहूँगा विभिन्न सत्रों में, कम से कम 8 सत्रों में। स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा डॉक्टर हरिराम पांडे जी को। उनके आग्रह पर मैं यहाँ पर आया हूँ। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे, शुद्ध हिंदी में या इंग्लिश में या मिश्रित भाषा में? ओके, आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मेरी बात से आप सहमत होंगे। यदि शोध या अनुसंधान की हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की, केवल योग की ही नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में समझना मुश्किल है, इंग्लिश के शब्द हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। माई डिलीवरी विल नॉट बी ऑफ वन वे प्रोसेस। ऐसा नहीं कि केवल मैं बोलता रहूँ, आप सुनते रहें। इट विल बी ऑफ टू वे प्रोसेस। बीच में आपको लगे कि मेरी बात आप तक ठीक प्रकार से नहीं पहुँच रही है, तो यू मे इंटरप्ट इन बिटवीन, आप रोक सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। और इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व तो है कि जिस क्षेत्र की चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं पूरी तरह से उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को आपके मस्तिष्क में बैठा पाऊं। तो शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। 2 शब्द हैं, 2 क्षेत्र हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अनुसंधान शोध पहला है और दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। पूर्णतः योग की बात होगी, आई विल एक्सप्लेन, मैं पूरा वर्णन करूंगा योग को केंद्र बिंदु मानते हुए, कि योग के क्षेत्र में अनुसंधान का कंसेप्ट क्या है और योग में किस किस प्रकार की व्यवहारिक सांख्यिकी का हम उपयोग करते हैं आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, व्यवहारिक उदाहरणों के साथ। तो इस पूरे प्रस्तुतिकरण को 4 भागों में बांटा गया है, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप, क्रमानुसार मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। सबसे पहले मैं जानता हूँ, मुझे पीएचडी स्कॉलर्स ने, फेलो ने बताया कि ये चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैंने आग्रह किया कि मैं केवल 5 से 10 मिनट इस क्षेत्र में लेना चाहता हूँ, एक अपने शब्दों में, अपने ढंग से, अपनी शैली से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड वेरिएबल्स। योग के क्षेत्र में जितना भी मैं देखता हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्चेज अधिक पाई जाती हैं। आप अपने जो भी पीएचडी कर चुके होंगे, आप देखिएगा मैक्सिमम शोधार्थियों ने, अधिकतर अनुसंधानकर्ताओं ने गुणात्मक अनुसंधान को आयोजित किया होगा। लेकिन जो एक मॉडर्न और नॉलेज एरा में हम रह रहे हैं, इस आधुनिक ज्ञान के युग में रह रहे हैं, आज का युवा केवल ट्रेडिशनल बातों से प्रभावित नहीं होता, आपको उसे एक वैज्ञानिक आधार देना होगा। और वैज्ञानिक आधार देने के लिए हमें क्लिनिकल रिसर्चेज या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज, प्रायोगिक अनुसंधान आयोजित करने होंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आयोजित करनी होगी, मात्रात्मक अनुसंधान आयोजित करना होगा, संख्यात्मक अनुसंधान आयोजित करना होगा। तो वो बिना वेरिएबल्स के कंसेप्ट के नहीं हो सकता। थोड़ा सा जानेंगे कि योग के क्षेत्र में कैसे वेरिएबल्स होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उनके वर्गीकरण की बात करेंगे। दूसरे भाग में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। अपने अपने रुचि का क्षेत्र है, किसी को किसी प्रकार का अनुसंधान अच्छा लगता है, किसी की किसी क्षेत्र में, हर व्यक्ति विशेष की प्रत्येक क्षेत्र में रुचि नहीं हो सकती, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। मनोविज्ञान के क्षेत्र से अधिक ज़्यादा कौन समझ सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के कंसेप्ट को? तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। अगले भाग में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, किसी भी शोधार्थी का, किसी भी अनुसंधानकर्ता की कोई ना कोई स्टार्टिंग लाइन होगी, कोई ना कोई आरंभिक रेखा होगी। आज पहला ही कदम यदि कोई अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में रखना चाहता है, तो कहाँ से शुरू करेगा एंड व्हाट विल बी द फिनिशिंग लाइन, और अंतिम रेखा क्या होगी, उस पूरी यात्रा की बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन अप टू फिनिशिंग लाइन, आरंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक हमें क्या क्या करना है वैज्ञानिक तरीके से। दोनों क्षेत्रों में क्वालिटेटिव रिसर्च की बात भी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात भी होगी। और अंतिम भाग, अभी आज के सत्र का अंतिम भाग होगा डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, हम विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हैं आंकड़ों के विश्लेषण के लिए।
परिकल्पनापूर्ण उदाहरणों के साथ, काल्पनिक उदाहरणों के साथ उसकी चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, कहानी आज की शुरू करते हैं पहले भाग से, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड वेरिएबल्स। योग के क्षेत्र के बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान हैं, पाठक जी का बहुत ही प्रभावशाली एक व्याख्यान अभी हुआ और मैं योग के क्षेत्र में सुनता रहता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, लेकिन थोड़ी सी रुचि मेरी भी है योग के क्षेत्र में, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ और मैं भी प्रभावित होता हूँ योग के क्षेत्र से। तो बेसिक कंसेप्ट, तो योग में भी मेरी बात से आप सब सहमत होंगे, इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, योग के क्षेत्र में स्तरीयता नहीं है। समय समय पर बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, बड़ी बड़ी प्रगाढ़ विदुषियां पैदा हुए, उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए और उनको हम पढ़ते हैं आज के दिन। लेकिन जो भी बात करेंगे हम स्तरीय साहित्य पर आधारित बात करेंगे, अनुसंधान के हम एक्सटेंडेड लिटरेचर पर आधारित बात करेंगे, एक लॉजिकल बात करेंगे। जो समय समय पर प्रगाढ़ विद्वानों ने अपनी बातें उड़ेल दी उसकी बात नहीं करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड वेरिएबल्स, तो रिसर्च या वेरिएबल्स की बात भी करें तो अलग अलग पुस्तकों में आप अलग अलग प्रकार से पाएंगे, किसी ऑथर ने अपने अलग ढंग से कर दिया, किसी दूसरे ऑथर ने अलग ढंग से, लेकिन यहाँ केवल दो तरह की अर्थों की बात होगी, दो तरह की अवधारणाओं की बात होगी। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनुसंधान एक प्रक्रिया के रूप में, रिसर्च एज ए प्रोसेस प्रक्रिया के रूप में। आप हर जगह पढ़ते हैं कि क्रिएशन ऑफ एनी नॉलेज इज नोन एज रिसर्च, कि नए ज्ञान की उत्पत्ति ही अनुसंधान है, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने माना है। लेकिन एक प्रगाढ़ विद्वानों के समूह ने यह भी माना है कि एवरी क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च, कि प्रत्येक अनुसंधान, प्रत्येक नए ज्ञान की उत्पत्ति अनुसंधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दैट शुड बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, वो समाज में स्वीकार्य हो। एनीथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च, दैट इज एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ योग ऑल्सो। अब बात करते हैं एक प्रक्रिया के रूप में, कहानी अब शुरू होती है प्रक्रिया के रूप में। आप इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, इस कार्यशाला में एडमिशन के लिए आप एक प्रक्रिया से गुजरे होंगे, आपने फॉर्म भी भरा होगा, आपने फॉर्म भरने के बाद पैसे भी जमा किए होंगे, रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा की होगी, यहाँ से एक्सेप्टेंस भी आया होगा, फिर आपने अटेंड किया। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रक्रिया, यदि सामान्य शब्दों में हम बात करें कि प्रक्रिया वो होती है जहाँ हम एक से अधिक गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। पहली बात कि वेयर वी डू मोर देन वन एक्टिविटी। देखिए मैं बहुत ही एक रूट लेवल से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे की बातों में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आई अश्योर यू, लेकिन एक थोड़ा, क्योंकि नए अनुसंधानकर्ता, नए शोधार्थी भी होंगे, एक आधार बना लें जो सबकी समझ में आए। तो यह प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है, आपने यहाँ एडमिशन लिया, कहीं ना कहीं से शुरू किया होगा, तो आपकी अनुसंधान वो है जो प्रॉब्लम से शुरू होगी। भाई योग के क्षेत्र में भी कोई अनुसंधान करेंगे आप, या किसी भी अनुसंधान को आयोजित करना चाहेंगे, किसी भी शोध कार्य को आयोजित करना चाहेंगे, तो किसी न किसी समस्या से शुरू करेंगे और आपकी अंतिम रेखा होगी सॉल्यूशन, समाधान निकल गया। और इस समस्या से लेकर समाधान तक हम दुनिया भर की गतिविधियां करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि रिसर्च इज अ प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन और आगे बात, ये एक्टिविटीज ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में आए वैसे कर लें। दीज एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म्ड सिस्टमेटिकली। बाध्यता है, हमारी लिमिटेशन है कि वी हैव टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली। तो वट डू यू मीन बाई सिस्टमेटिकली, कि सिस्टमेटिकली का अर्थ क्यों है? क्या सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं होगी क्या? बहुत ऐसे शोधार्थी होंगे जो सिस्टमेटिक नहीं करते लेकिन फिर भी परिणाम निकालते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इसके पीछे एक कारण है, लॉजिकल कारण है, तर्कपूर्वक इसका कारण है कि इफ वी डू, एक बात बताइए, हम सब कहते हैं घर को, एक गृहिणी को कहते हैं कि घर को सिस्टमेटिक चलाए। यदि वो गृहिणी घर को सिस्टमेटिक नहीं चलाएगी तो घर नहीं चलेगा क्या? पेट नहीं भरेगा क्या? जीवित नहीं रहेंगे क्या? पेट तो वहां भी भरेगा, काम तो वहां भी होगा, समस्याओं का समाधान तो वहां भी होगा। लेकिन दोनों अगर तुलना करें, सिस्टमेटिक करें तो समाधान अलग तरह का होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगी
तो समाधान अलग तरह का होगा। तो रिसर्च की भाषा में, वेयर वी डू सिस्टमेटिक एक्टिविटीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मैक्सिमम। यदि कोई भी गतिविधि हम सिस्टमेटिक करते हैं तो सफलता की संभावनाएं उच्चतम शिखर तक की होंगी, अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मिनिमाइज्ड। और एवरी इन्वेस्टिगेटर, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता वांट टू अटेन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता चाहता है कि मुझे सफलता की संभावनाएं मेरी उच्चतम शिखर तक की हो, मेरे परिणाम अच्छे हो, तो इसलिए हम सिस्टमेटिक शब्द करते हैं। तो इस सिस्टमेटिक शब्द में दो कैरेक्टरिस्टिक छुपी है, इस सिस्टमेटिक शब्द में दो विशेषताएं छुपी हैं। जब तक कि इन दो विशेषताओं की पूर्ति नहीं होगी, कोई भी गतिविधि सिस्टमेटिक नहीं कही जा सकती। वन इज, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, सीक्वेंस शुड बी फॉलोड, क्रमानुसार होंगी, क्रम को नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि डेटा पहले कलेक्ट, बाद में कलेक्ट कर लूंगा, पहले मैं आंकड़ों का विश्लेषण कर लूं, संभव ही नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, देन यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा, देन यू हैव टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। दुनिया भर के स्टेप्स हैं, लेकिन वो कर, लेकिन ये सब जानते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी विशेषता है, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। वट डू यू मीन बाई वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स एवरी इंडिविजुअल शुड लीड टू द सेम टाइप ऑफ कंक्लूजन। मैं उसको कुछ समझ रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, तीसरा कुछ समझ रहा है, चौथा कुछ समझ रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इल डिफाइंड। तो कुल मिलाकर हमने प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान को जाना, किसी न किसी योग के क्षेत्र की समस्याओं को एग्जाम्पल लेकर उसके समाधान को कैसे करेंगे, व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ, डेमोस्ट्रेशन के साथ, काल्पनिक उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। तो एक परिभाषा का हमने निर्माण किया कि रिसर्च इज अ प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, कैसे, सिस्टमेटिकली, क्यों, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एन प्रॉब्लम। कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां क्रमानुसार आयोजित की जाती हैं किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो ये सिस्टमेटिक कैसे हो, सीक्वेंस कैसे फॉलो करें, वेल डिफाइंड कैसे हो, इस सब की चर्चा करेंगे। व्हाई, क्यों, टू अटेन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिससे कि सफलता की संभावनाएं उच्चतम शिखर तक की हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तो ये कहानी, ये यात्रा, ये जर्नी अनुसंधान की शुरू कहां से हुई? प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम मार्केट में बनी बनाई तो योग के क्षेत्र में मिलेंगी नहीं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके लिए हमें जानना होगा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या, उत्पत्ति कहां से होती है। योग के क्षेत्र में भी प्रॉब्लम की उत्पत्ति कहां से होगी, कहां से ढूंढेंगे आप? केवल योग के क्षेत्र में नहीं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी उत्पत्ति कहां से होगी। तो प्रॉब्लम की उत्पत्ति कैसे होगी, मैडम बैठी हैं, योग की हैं, मैडम को मैट्स खरीदने हैं, योग के मैट्स, मार्केट में गई, मार्केट समस्या खड़ी होगी मैडम के लिए कि ये 500 रुपये का, ये 1000 का, ये वैरायटी है, इसके ये सकारात्मक, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव हैं। अगर मैट नाम की एक ही वस्तु रही होती तो मैडम के लिए समस्या नहीं रहती, अनेकता है, वेरिएशन है। तो कुल मिलाकर जहाँ चॉइस होगी वहाँ प्रॉब्लम होगी, पहली बात। सामान्य भाषा में, रिसर्च की भाषा की बात नहीं कर रहे हम, जहां चॉइस होगी वहां प्रॉब्लम होगी, जहां वैरायटी होगी वहां प्रॉब्लम होगी। वेयर देयर इज अ चॉइस देयर इज अ प्रॉब्लम, वेयर देयर इज अ वैरायटी देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन चॉइस और वैरायटी तो दैनिक संप्रेषण में, डे टू डे कम्युनिकेशन में शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। तो एक तीसरा शब्द आप सबके सामने, वेरियंस। वेयर देयर इज अ वेरियंस देयर इज अ प्रॉब्लम। और योग का क्षेत्र भी वेरियंसिस से भरा पड़ा है, लेकिन वेरियंस भी किस विषय का शब्द है? स्टैटिस्टिक्स का, रिसर्च का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का। तो एक शब्द हो रहा है वेरिएबल, हिंदी में हम कहेंगे चर, सुधरे हुए रूप में। तो ऑरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अच्छे अनुसंधान, अच्छे मात्रात्मक अनुसंधान हम योग के क्षेत्र में आयोजित कर पाए। तो वेरिएबल, वेरिएबल को परिभाषित करते हैं। वेरिएबल इज ए करेक्टरिस्टिक That has the tendency to change with respect to time, place, individual. चर वो विशेषता है जो समय अनुसार परिवर्तित हो, जो स्थान अनुसार परिवर्तित हो, और जो व्यक्ति अनुसार परिवर्तित हो। इन तीनों के कारण जिसमें परिवर्तनशीलता आए वो कहलाता है चर, वो कहलाता है वेरिएबल।
दुनिया भर के स्टडीज हो चुके हैं इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस, ध्यान का तनाव पर प्रभाव। तनाव वेरिएबल है, तनाव वेरिएबल है, क्यों? समय अनुसार बदलता है। आज मिश्रा जी का तनाव का स्थिति आज होगी, हो सकता है कल कम या बढ़े, एक जैसा तनाव नहीं रहता, समय अनुसार बदलेगा। स्थान अनुसार मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि तनावपूर्ण वातावरण में हो, बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। समय अनुसार भी बदला, स्थान अनुसार भी बदला, व्यक्ति अनुसार भी परिवर्तनशील है। आपका तनाव का स्तर अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है, मैडम का अलग है, उस मैडम का अलग है। जो समय, स्थान और व्यक्ति अनुसार परिवर्तनशील हो वो कहलाता है वेरिएबल। पहली बात तो ऑरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज ए वेरिएबल। जितनी भी क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती है किसी ना किसी वेरिएबल को, किसी ना किसी चर को लेकर की जाती है, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो। कुल मिलाकर हमें प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए शुरुआत तो वेरिएबल से ही करनी होगी ना। इफ वी वांट टू कंडक्ट एनी क्वांटिटेटिव रिसर्च, यदि कोई भी अनुसंधानकर्ता, शोधार्थी या रिसर्चर मात्रात्मक अनुसंधान आयोजित करना चाहता है तो हम किसकी बात करें, क्यों ना हम वेरिएबल्स को। एक और बात अनुसंधान की, दूसरी एक और बात करते हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिफरेंट ऑथर्स एक्सप्लेन्ड रिसर्च इन डिफरेंट वेज। हमने अनुसंधान के केवल एक अर्थ की बात की, कौन से अर्थ की? प्रक्रिया के रूप में। अब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है सब जानते हैं। शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। जब भी आप एमए में एडमिशन लिया होगा, रिसर्च की क्लास हुई होगी, आपके जो टीचर्स अध्यापकों ने यही बताया होगा कि री और सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है रिसर्च। और हम सब जानते हैं कि री का अर्थ है अगेन, सर्च का मतलब है टू फाइंड आउट। टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च। ये पढ़ते आए। देखिए अनुसंधान की यात्रा शुरू कहां से हुई, मैं पहले बता चुका हूं, नए शोधार्थियों को तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाऊंगा। कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम से शुरू हुई। और अंत कहां हुआ? यहां पर हम कह रहे पुनरावृत्ति। टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च। यदि यह शाब्दिक अर्थ ठीक है, इसका अर्थ हुआ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स ए प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का समाधान नई समस्या को जन्म देगा, तभी तो पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। जब किसी एक समस्या का समाधान निकल गया तो पुनरावृत्ति की आवश्यकता क्यों? तो बड़ी अटपटी बात है कि व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन, बार बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता क्यों? शुरू कहां से हुई आपने बताई? प्रॉब्लम से। छोटा बच्चा है 4-5 साल का, स्कूल में जाना शुरू किया, स्कूल में टीचर ने सिखाया एडिशन, जमा करना, जोड़ करना, बच्चा सीख रहा है। और अंत में 5-6 दिन बाद अध्यापक ने उसका एग्जाम लिया कि बेटा 100 जमा 100 कितने होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, उस छोटे बच्चे के लिए 4-5 साल का नर्सरी का बच्चा है, 100 जमा 100 इस समस्या का, समस्या मीन्स क्वेश्चन, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, समस्या के समाधान, यह उस बच्चे के लिए समस्या है या नहीं है? है ना? और इसका सॉल्यूशन क्या है? 200, सीधी सी बात है ना। ब्रह्मा जी भी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर जन्म ले ले, वो भी 100 जमा 100 200 ही बताएंगे। कोई 200 से अच्छा उत्तर दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, 100 समाजों प्रश्न का उत्तर हुआ 200, तो व्हाट इज द नीड? अब उससे उसको क्या रिपीट करें? दिमाग में बैठा लें, वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ अवर माइंड 100+100=200, दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। इस तरह के उत्तर, इस तरह के समाधान कहलाते हैं स्तरीय समाधान। बट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर। अनुसंधान के क्षेत्र में कोई स्तरीय उत्तर नहीं है। और जिस दिन वो स्तरीय उत्तर बन गया, दैट बिकम्स ए थ्योरी, दैट बिकम्स ए प्रिंसिपल, उस दिन वो सिद्धांत का रूप ले लेता, उसने उसकी एक सिद्धांत की उत्पत्ति हो गई। इसको गहराई से बाद में करेंगे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन अभी तो यदि मैं प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इन रिसर्च, आंसर इज सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन। इसलिए हमें पुनरावृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने रूपों में हमने अनुसंधान के अर्थ की बात की? दो, प्रक्रिया के रूप में और शाब्दिक अर्थ में। अब मेन कहानी शुरू होती है वेरिएबल्स की, क्योंकि थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर ले हम वेरिएबल्स का। जब तक हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट रिलायबल, वैलिड एंड जेन्यून रिसर्चेस। तो शुरू करते हैं वेरिएबल्स। अनुसंधान को कितने रूपों में जाना? दो, प्रक्रिया के रूप में
शाब्दिक अर्थ, तो अलग अलग ऑथर्स ने बताया था, तो सेम कहानी यहाँ भी है। वेरिएबल्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, दुनिया भर के ऑथर्स ने अपना अलग अलग वर्गीकरण किया। आज सुनो, के क्षेत्र में किताबें पढ़ता हूँ, ऑथर्स ने अलग अलग वर्गीकरण किए। किसी ऑथर ने अपने ज्ञान अनुरूप कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। इसी प्रकार से वेरिएबल्स के टाइप्स की बात करें, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ, मैं एक बात पूछूं आपसे, इस पूरे समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं क्या, बांट सकते हैं? बांट दीजिए। जेंडर बेस, सर ने कहा जेंडर बेस, मेल फीमेल्स, क्योंकि आधार था। क्या यही हो सकता है? एज भी हो सकता है। इट मींस आप इन्हें क्लियर कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर पॉसिबल, विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। तो वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन भी वैसे ही है कि किसी ऑथर ने, तो दो की बात करेंगे, पहले का आधार है कॉजल मॉडल। यदि कॉजल मॉडल के आधार पर हम वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन करें, तो हमारे पास केवल तीन ही प्रकार के वेरिएबल्स हैं। वी क्लासिफाई इनटू थ्री कैटेगरीज, हम तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं। लेकिन उससे पहले पता रहे कि योग के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान करें जिसमें कॉजल मॉडल लागू है। दिस कॉजल मॉडल इज एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉजल मॉडल वहां लागू है जहां हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना चाह रहे हैं, जहां पर हम कारण और प्रभाव के सहसंबंध को स्थापित करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर एक सेंटेंस में, वेयर वी वांट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, जहां हम प्रायोगिक अनुसंधान करना चाहते हैं वहां पर ये कॉजल मॉडल लागू है। जहां हम क्लिनिकल रिसर्चेस करना चाहते हैं वहां ये कॉजल मॉडल लागू है। एक शीर्षक का निर्माण करते हैं, काल्पनिक शीर्षक का निर्माण। योग का कोई भी अभ्यास ले लीजिए, प्राण धारणा है ना योग में, प्राण धारणा का कुछ प्रभाव पड़ता होगा, तभी तो हम करते होंगे, तभी तो बड़े बड़े प्रगाढ़ योग के विद्वानों ने कहा है कि प्राण धारणा का अभ्यास करना चाहिए। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्राण धारणा ऑन कंसंट्रेशन, प्राण धारणा का एकाग्रता पर प्रभाव। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक शोधार्थी योग का एक अनुसंधान करना चाहता है जिसका शीर्षक है प्राण धारणा का एकाग्रता पर प्रभाव। तो इस काल्पनिक उदाहरण में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में हम कॉजल मॉडल के आधार पर कितने भागों में बांट चुके हैं? तीन। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर। रिसर्च की भाषा में, अनुसंधान की भाषा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है ट्रीटमेंट उपचार। उपचार का अर्थ मेडिसिन से संबंधित नहीं है, उपचार किसी भी रूप में, प्राण धारणा भी एक उपचार के रूप में आप दे रहे हैं, प्रभाव ज्ञात करने के लिए किस पर, कंसंट्रेशन पर, एकाग्रता पर। तो इस हमारे काल्पनिक उदाहरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, जिसको एक और नाम हमने दिया उपचार, वो क्या है, प्राण धारणा। इस काल्पनिक जिसका प्रभाव हम देखते हैं, सामान्य भाषा में जिसका प्रभाव हम देखते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर ट्रीटमेंट उपचार। जिस पर देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आश्रित चर है। और हमारे इस उदाहरण में, हमारे इस आज के काल्पनिक उदाहरण में आश्रित चर है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। लेकिन अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य क्या है, किसका प्रभाव ज्ञात करना, प्राण धारणा का, किस पर, कंसंट्रेशन पर, जो कभी नहीं होता। इन्वेस्टिगेटर्स इज इंटरेस्ट इज ओनली टू फाइंड आउट द चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य केवल प्राण धारणा के प्रभाव के कारण पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करना। लेकिन नहीं, दुनिया भर के ताम झाम साथ साथ अपना प्रभाव छोड़ेंगे, डेली रूटीन भी हो सकती है, आपकी डाइट भी हो सकती है, वो प्राण धारणा के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम छुपकर अपने घर भी करता हो, दुनिया भर का ताम झाम अलग करता है। तो यहां पर उद्देश्य केवल किसका प्रभाव ज्ञात करना है, लेकिन अकेले के प्राण धारणा का नहीं, केवल अकेले प्राण धारणा का। आप इस काल्पनिक उदाहरण में केवल प्राण धारणा का प्रभाव ज्ञात करना चाह रहे हो, कि प्राण धारणा का किसी के साथ मिलकर नहीं। इस कंसेप्ट को क्लियर समझ रहे हो ना? तो इस काल्पनिक उदाहरण में, इस प्रयोग में, इस एक्सपेरिमेंट में, इस क्लिनिकल रिसर्च में
टू फाइंड आउट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू फाइंड आउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ओनली ड्यू टू प्राण धारणा, उसके साथ साथ जो भी चर प्रभाव छोड़ेंगे, दीज आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, वो कहलाते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। इनका प्रभाव ज्ञात करना हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि है क्या? नहीं है। ये तो हमें नियंत्रित करने होंगे। जब तक इनको नियंत्रित नहीं करेंगे, आपका अनुसंधान आपको परिणाम ठीक प्रकार से नहीं देगा सामान्य भाषा में। और ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिनके प्रभाव को ज्ञात करना, आपका इस काल्पनिक उदाहरण में प्रभाव ज्ञात करना केवल है प्राण धारणा का। और ये कंफाउंडिंग वेरिएबल, दीज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, एक कहलाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ये अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं, दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशंस, ये आपकी सीमाएं होंगी, अध्ययन की सीमाएं होंगी। किसका प्रभाव ज्ञात कर रहे हैं? प्राण धारणा का। लेकिन क्या प्राण धारणा को सर्दी और गर्मी में करेंगे तो समान प्रभाव पड़ने की संभावना है? नहीं है। क्या बारिश होगी उस दिन और उसमें प्राण धारणा का अभ्यास कर रहे हो तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अपने साथ साथ प्राण धारणा के साथ साथ अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं या नहीं? छोड़ सकते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो कि एक प्रकार है किसका? कन्फाउंडिंग का। आप इंद्रदेव को आदेश तो दे नहीं सकते, इंद्रदेव 3 दिन बारिश मत करना, बारिश तो होगी, उसके कारण से जो पड़ने वाला प्रभाव किस क्षेत्र में हुआ? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। और ये आपके अध्ययन के क्या कहलाएंगे? ये आपके अध्ययन के क्या कहलाएंगे? लिमिटेशंस। दीज विल बी कंसिडर्ड एज लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी, ये आपके अध्ययन के लिमिटेशन कहलाएंगे। पीछे मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला दूसरे की बात करते हैं। सेकंड वन इज, नेक्स्ट वन इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स दूसरा प्रकार है किसका? कंफाउंडिंग का। इसका प्रभाव भी ज्ञात करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ ये भी अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं या छोड़ सकते हैं। बट टू ए ग्रेट एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल, यदि हम चाहेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डेली रूटीन, आप कह सकते हो भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। देखिए, कोई व्यक्ति 5 बजे सुबह उठता और प्राण धारणा करता हो, अलग प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है 10 बजे प्राण धारणा का अभ्यास करेगा, अलग प्रभाव पड़ेगा। तो जो डेली रूटीन है उसको तो नियंत्रित कर सकते हो ना, आप सभी का डेली रूटीन एक जैसा करना वो तो आपके हाथ में है। दिस कैन बी कंट्रोल टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यदि प्रयास करे अनुसंधान करता तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। फूड हैबिट्स हैं, सोशल बैकग्राउंड है, एक ही सोशल बैकग्राउंड के आपने जो अभ्यास करता है, सब्जेक्ट्स हैं उनका चयन कर लिया। तो कुल मिलाकर हमने एक की बात की, वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स में, जो पहले का आधार क्या था? कॉजल मॉडल, वेयर दिस इज एप्लीकेबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। यदि आप प्रायोगिक अनुसंधान करेंगे तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरे एक्सट्रेनियस हैं जिनको कि मैंने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, और ये मेरे अध्ययन में इंटरवीनिंग है, एंड दीज विल बी कंसीडर्ड एज लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। सामान्य सी बात है। आगे बात करते हैं, एक और बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यदि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आधार पर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको यदि हम विभिन्न भागों में विभाजित करें तो हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के आधार पर। पहला है नॉमिनल स्केल। योग के क्षेत्र में नॉमिनल स्केल का बहुत उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। नॉमिनल स्केल मीन्स व्हेन वी कलेक्ट डेटा इन ए फ्रिक्वेंसी और काउंट्स। जहां मैं पूछूं इसमें जेंडर बेसिस पर क्लासिफिकेशन करता हूं, मैं पूछूं मेल्स कितने हैं तो आप कहेंगे 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, जितने भी होंगे। आप ये तो नहीं कह सकते 20.2 मेल्स होंगे, संभव है क्या? या तो 22 ही होंगे या 23 होंगे, दैट विल बी डिस्क्रीट सीरीज, दैट विल बी होल नंबर। इट मींस नॉमिनल स्केल मींस व्हेन वी कलेक्ट डेटा इन ए फ्रीक्वेंसी एंड काउंट्स। कैसे? एक थोड़ा सा आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा।
जब हम काल्पनिक शीर्षक के बाद अगले भाग में बात करेंगे, एवरी पॉइंट विल बी क्लियर, प्रत्येक बिंदु स्पष्ट होगा। लेकिन अभी तक तो आप जान लें, जहां आप कलेक्ट डेटा करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, किस रूप में होगा, डिस्क्रीट सीरीज, होल नंबर, कंप्लीट नंबर, फ्रीक्वेंसी में, नंबर में, काउंट में, और ये नॉमिनल स्केल विभिन्न प्रकार का हो सकता है। डाइकोटोमियस, द वर्ड डाइको मींस टू, हैविंग टू एंड्स। अभ्यास, देखिए अभ्यास भी वेरिएबल है और अभ्यास को विभिन्न रूपों में मापन कर सकते हैं। मान लो इस पूरे समूह का अभ्यास का मापन करें तो आप दो भागों में विभाजित करेंगे, अभ्यास करता और जो अभ्यास योग का अभ्यास नहीं करते, तो डाइकोटोमियस हुआ ना। स्मोकिंग, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स। तो व्हेन वी कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज, जब हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, दो विभिन्न, तो वो कहलाता है डाइकोटोमियस। लेकिन दोनों ही स्मोकर नॉन स्मोकर्स दो भागों में हो गया, लेकिन दोनों ही डिस्क्रीट सीरीज में होंगे, होल नंबर में होंगे। एग्री? वो हो सकता है पॉलीटोमियस, पॉलीटोमियस, पॉलीटोमियस। यानी हमने योग के क्षेत्र के नॉमिनल स्केल का एग्जांपल किसको लिया था, जो डाइकोटोमियस था, प्रैक्टिशनर्स नॉन प्रैक्टिशनर्स लिया था ना, उसको पॉलीटोमियस भी ले सकते हैं। अभ्यास करता पहला समूह, वीक में एक दिन अभ्यास करने वाले इतने हैं, दो दिन करने वाले इतने हैं, तीन दिन करने वाले इतने, चार दिन करने वाले इतने, पांच दिन करने वाले। व्हेन वी कैटेगराइज इन मोर देन टू कैटेगरीज, दैट इज नोन एज पॉलीटो, पॉली मींस मेनी, हैविंग मोर देन टू कैटेगरीज। एग्जाम्पल, रेस, इंडियन, चाइनीज, पॉलिश, जर्मन, चार कैटेगरी ले ली, तो ये प्रकृति हुई इस वेरिएबल की, जो कि नाम है रेस कैटेगरिकल। कैटेगरिकल मींस डिवाइडेड अमंग मोर देन टू कैटेगरीज, जो कि किस कैटेगरी में है, किस वर्ग में है, नॉमिनल स्केल में। अगला है, और नॉमिनल स्केल भी दो उप प्रकारों का हो सकता है। फर्स्ट वन इज नॉमिनल विद ऑर्डर। भाई आपने नॉमिनल है, तीन वर्ग बना लिए कि बहुत अच्छे योग अभ्यास करता, मध्यम अभ्यास करता और निम्न स्तर के अभ्यास करता, वर्ग हुआ ना, और वो किस कैटेगरी में हुआ, नॉमिनल का पॉलीटोमियस। दो से अधिक कैटेगरी, दो रही होती तो डाइकोटोमियस था। मैंने तीन बताया, अच्छे, मध्यम अभ्यास करता और लो लेवल का अभ्यास करता, तीन कैटेगरी है, दो तो किस कैटेगरी में हुए, पॉलीटोमियस। लेकिन कैन बी अरेंज इन ऑर्डर, यस, आप अरेंज क्रमानुसार आरोही आरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, रेस चार लिए थे हमने, इंडियन, चाइनीज, जर्मन, पॉलिश, क्या इसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, एवरी ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल। तो पॉलीटोमियस कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर एंड कैन नॉट बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। योग के क्षेत्र में भी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और अगला है ऑर्डिनल स्केल, वी कैन नॉट मेजर इन एन एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। आसन करते हैं तो किसी को जर्क लगने की संभावना रहती है, नहीं रहती है, रहती है ना, तो जर्क लगेगा तो क्या होगा, पेन होगा। मेरा आपसे प्रश्न, पेन वेरिएबल है या नहीं है, क्योंकि स्थान अनुसार परिवर्तित है, लेटने की पोजीशन में अलग होगा, बैठेंगे अलग होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे अलग, समय अनुसार भी अलग है, स्थान अनुसार भी अलग है, व्यक्ति अनुसार। उसी मिश्रा जी को और सर को चोट लगे, दोनों बराबर पेन होगा क्या, परिवर्तनशील है, तो क्यों, क्या है ये वेरिएबल। तो सर आपको आसन कर रहे थे, जर्क लग गया, कहाँ पहुंचे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने, डॉक्टर दवाई तो दर्द की अलग अलग डोज होते हैं, हाई डोज भी होता है, मीडियम डोज भी होता है, लो, वो डिपेंड करेगा कि दर्द कितना है। आपसे पूछा कि कितना दर्द है, व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन, आप ये नहीं कहेंगे 5 सेंटीमीटर पेन है सर, 5 सेंटीमीटर की दवाई दे दो। यू विल एक्सप्रेस इन ऑर्डर कि आई हैव हाई पेन, मीडियम पेन, लो पेन। आपके साथ ही बगल में बैठे हैं, मैं पूछूं इनकी ब्यूटी कितनी है, कितने ब्यूटीफुल हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 10 टन ब्यूटी है, आप ये कहेंगे कि ही हैज एक्सीलेंट ब्यूटी। ब्यूटी भी तो वेरिएबल है, समय अनुसार परिवर्तनशील है, व्यक्ति अनुसार भी है, स्थान अनुसार भी है। यहाँ है, चले जाओ कहीं साउथ में, जहाँ ह्यूमिडिटी हो, ब्यूटी परिवर्तित हो जाएगी,
स्थान अनुसार भी परिवर्तित होती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज कैन बी मेजर्ड इन ए स्केल. विच स्केल? ऑर्डिनल स्केल. दीज आर मेजर्ड इन ऑर्डिनल स्केल, मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर, मे बी इन डिसेंडिंग. आरोही आरोही क्रमों में इनका मापन हम करते हैं. तो कुल कितने स्केल ऑफ मेजरमेंट है? फोर. दो की चर्चा हो चुकी है. आप योग के क्षेत्र में अनुसंधान नॉमिनल स्केल को लेकर भी कर सकते हो, योग के क्षेत्र में आप ऑर्डिनल स्केल को लेकर भी कर सकते हो, और योग के क्षेत्र में आप अनुसंधान इंटरवल स्केल को लेकर भी कर सकते हो. इंटरवल स्केल कैसे? सभी स्केल ऑफ मेजरमेंट के काल्पनिक उदाहरणों को लेकर चलेंगे. इंटरवल स्केल मीन्स हैविंग सेम इंटरवल्स इन बिटवीन बट हैज नो फिक्स जीरो. बीच में समान अंतराल है पर फिक्स जीरो नहीं है. बीच में समान अंतराल है पर फिक्स जीरो नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एग्रेशन, मेडिटेशन का गुस्से पर प्रभाव. गुस्सा एग्रेशन वेरिएबल है या नहीं है? समय अनुसार बदलता है, स्थान अनुसार बदलता है, व्यक्ति अनुसार. तो गुस्से पर दुनिया, एग्रेशन पर दुनिया भर की योग के क्षेत्र में रिसर्चेज हुई होंगी. हम बात कर रहे हैं इंटरवल स्केल का. दोनों साथी बैठे हैं, मेजर किया टूल से. सर का गुस्सा 20 है, उनके गुस्से का स्कोर आया 40 है. तो हम कह सकते हैं कि जस्ट डबल गुस्से वाले हैं? नो, वी कैन नॉट से. क्यों? एग्रेशन हैज नो फिक्स जीरो, वी डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द ओरिजिन. काल्पनिक उदाहरण में यदि इनका वजन 50 किलो है और वो 100 किलो के हैं, तो हम कह सकते हैं जस्ट डबल वेट है, क्योंकि वेट हैज ए फिक्स जीरो. जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोलॉजी में तो मैक्सिमम वेरिएबल्स इंटरवल स्केल्स में, फिक्स जीरो है ही नहीं. तो रेशो स्केल और इंटरवल स्केल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है. रेशो स्केल इज सेम एज इंटरवल स्केल बट हैज ए फिक्स जीरो. उसमें फिक्स जीरो है. एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल है, WBC है, RBC है, ये सब रेशो स्केल में आएंगे. वेट है, वजन है व्यक्ति विशेष का. तो ध्यान रहे, बार बार बात होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, बार बार बात होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, बार बार बात होगी कि नॉमिनल स्केल की, ऑर्डिनल स्केल की, इंटरवल स्केल की, रेशो स्केल की. तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल की, इंटरवीनिंग वेरिएबल की, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की. तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे के जितने भी काल्पनिक उदाहरणों के साथ हम सीखने का प्रयास करेंगे उनको सीख पाएंगे. तो ये मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए. अब बात करते, एक छोटा सा आधार और बनाऊंगा, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा. अब बात करते टाइप्स ऑफ रिसर्च की. हमने अनुसंधान के अर्थ को कितने रूपों में जाना? दो, प्रक्रिया के रूप में और शाब्दिक अर्थ. हमने वेरिएबल्स को भी जानने का प्रयास किया कितने रूपों में? दो, एक कॉजल मॉडल के आधार पर और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आधार पर. उसी प्रकार से यदि टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो अलग अलग ऑथर्स ने टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है. तो सभी की बात नहीं करेंगे, एक दो मैंने टाइप्स को डिलीट कर दिया है क्योंकि समय लगता अधिक, लेकिन तीन विभिन्न आधारों के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे. पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा. आंकड़ों के स्रोतों के आधार पर पूरे अनुसंधान के क्षेत्र का वर्गीकरण. इफ वी क्लासिफाई द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ डेटा, आंकड़ों के स्रोतों के आधार पर यदि हम पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं तो वी क्लासिफाई इनटू ओनली टू कैटेगरीज. दो ही भाग हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान वी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. अगेन आई रिपीट, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान. इन दोनों क्षेत्रों में, आप सबके क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में कौन से अनुसंधान सबसे अधिक आयोजित किए जाते हैं? क्वालिटेटिव. आवश्यकता है क्वांटिटेटिव रिसर्चेज करने की भी. एक प्रक्रिया को अपनाना है, उस प्रक्रिया को अपनाकर हमें करना है, सीखेंगे कैसे करना है. लेकिन ध्यान रहे, यदि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के का प्रयास करें, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स. बात हो चुकी है, वेरिएबल्स को हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स. ऑन द अदर हैंड, क्वालिटेटिव रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. दोनों शब्द अलग अलग हो गए.
वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू. एट्रीब्यूट इज ए क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू में मेजरमेंट करना संभव नहीं है. जो ऐसी विशेषता का मापन करता है जो प्रकृति से गुणात्मक है. दो एग्जाम्पल दिए थे, पेन, पेन को वेरिएबल है लेकिन वी हैव टू मेजर इन द फॉर्म ऑफ ए एट्रीब्यूट. गुणवत्ता का अधिक को अधिक प्रदर्शित करता है, लेकिन यह तो हम सब जानते हैं जो नई बात. कैन वी कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इन टू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च. मान लो कि आपके पास वेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं और एट्रीब्यूट्स हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं वेरिएबल्स. क्या ऐसा संभव है योग के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में? स्पष्ट सी बात है, वेरिएबल्स दर्द, सॉरी हाइट कोई 6 फुट 5 इंच का है, तो क्या उसको आप एट्रीब्यूट में परिवर्तित कर सकते हैं? कर सकते हैं ना. क्या नाम देंगे उसको? टॉल, वेरी टॉल. लेकिन क्या वेरी टॉल है उसको उल्टा कर सकते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू में? वेरी टॉल में 7 फुट का भी हो सकता है, 6 फुट 2 इंच का भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं. इट मींस क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वालिटेटिव बट नॉट वाइस वर्सा. मात्रात्मक अनुसंधान को गुणात्मक अनुसंधान में परिवर्तित करना चाहें आप तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा नहीं हो सकता. लेकिन बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने कहा है नॉट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इनटू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च, अदरवाइज देयर विल बी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिटवीन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल नॉट बी मैक्सिमम. बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने कहा है यदि वेरिएबल्स हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही कीजिए, एट्रीब्यूट है तो क्वालिटेटिव ही कीजिए. एक प्रकार के अनुसंधान को दूसरे प्रकार के अनुसंधान में परिवर्तित मत कीजिए, क्योंकि यदि हम एक प्रकार के अनुसंधान को दूसरे प्रकार के अनुसंधान में परिवर्तित करते हैं तो बीच में कुछ सूचनाएं लुप्त हो जाती हैं और सफलता की संभावनाएं उच्चतम शिखर तक की नहीं होंगी. यह प्रगाढ़ विद्वानों ने एक सलाह दी है, एक हमें सुझाव दिया है. तो हम कितने प्रकार के वर्गीकरणों की बात करने वाले थे? 3 की करने वाले थे, जिसमें से एक की बात कर चुके हैं, जिसका आधार क्या है? सोर्सेस ऑफ डेटा. कितने भागों में बांटा? 2, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. इतनी सी बात, सिंपल सा. लेकिन जो अगले वर्गीकरण की बात है योग के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका आधार है मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया. कि हर अनुसंधान विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाकर आयोजित किया जा सकता है. योग के क्षेत्र में भी प्रक्रियाओं, अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर हम अनुसंधान आयोजित कर सकते हैं. यदि हम मेथोडोलॉजी के आधार पर पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को विभाजित करें विभिन्न भागों में, तो वी हैव ओनली 5 different types of methodologies. हमारे पास 5 विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं. इन प्रक्रियाओं में से आप अपनी PhD सभी उठा लीजिए. इन 5 प्रक्रियाओं में से किसी ना किसी एक को हम सब ने अपनाया है अपने अनुसंधान कार्य के लिए. अगर इन 5 के अतिरिक्त कोई दिखे आपको तो आप बताइएगा, नहीं सर ये तो अलग है. ये जरूर है, एक मिक्स्ड मेथड हो सकता है कि 2-3 प्रक्रियाओं को अपनाकर एक प्रक्रिया हो, वो संभव है. तो कितने भागों में बांटा? 5. सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान. तो चर्चा करेंगे विस्तार से या तो सायंकाल के सत्र में या कल के सत्र में. एक अच्छी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक अच्छा प्रायोगिक अनुसंधान कैसे आयोजित किया जाए. अगला है सर्वे स्टडीज. योग का क्षेत्र सर्वेक्षण अध्ययन का ही भरा पड़ा है. केवल योग का क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट स्पेशली, इन विषयों की बात करें तो 90% मेरा जो अपना एक अनुभव है उसके आधार पर कि 90% से अधिक अनुसंधान सर्वेक्षण अध्ययन है. कैसे अच्छा सर्वेक्षण करें चर्चा करेंगे. अगला हिस्टोरिकल रिसर्चेस योग में होंगी, काफी की होंगी. ऐतिहासिक अनुसंधान भी दुनिया भर के योग के क्षेत्र में आयोजित किए गए हैं. अगला है फिलोसफिकल रिसर्च, जो कि बहुत होते हैं योग के क्षेत्र में. दर्शन अनुसंधान, एक दार्शनिक अनुसंधान की प्रक्रिया को अपनाते हुए अनुसंधान करना, एक मेथडोलॉजी है उसकी कि हाउ टू कंडक्ट फिलोसफिकल रिसर्चेस. तो आप में से कुछ शोधार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा या PhD की होगी और प्रक्रिया कौन सी अपनाई होगी? फिलोसफिकल रिसर्च. और अंतिम है आपने केस स्टडी, वैयक्तिक अध्ययन. वाक्य ऊपर 2 मात्राएं, वैयक्तिक अध्ययन योग के क्षेत्र में.
यानी होल स्टडी सेंटर्ड अराउंड ए, जो भी हो अभी बात करते हैं उसकी, शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जानकारी अभी प्राप्त कर लेते हैं, एक विस्तार से जानकारी, तो अलग अलग मेथड्स की विस्तार से चर्चा करेंगे तब आएगी। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेमैन की भाषा में द स्टडीज बेस्ड ऑन फ्यूचर इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल। सिंपल सी बात है, भविष्य के गर्भ में पता नहीं क्या आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, प्रयोग करना चाहते थे, प्राण धारणा का किस पर प्रभाव, कंसंट्रेशन प्रभाव, पता नहीं भविष्य बताएगा अभी प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो क्या है, प्राण धारणा। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो क्या है, कंसंट्रेशन। इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल भी होंगे दो रूपों में, इंटरवीनिंग एक्सट्रेनियस। इतनी सी बात, लेकिन विस्तार से एक बहुत अच्छी सांख्यिकीय तकनीक के उपयोग से किस प्रकार से और एक अच्छे शोध विकल्प के माध्यम से कैसे अच्छा प्रायोगिक अध्ययन आयोजित किया जाए उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे डेढ़ घंटा एक पूरे सत्र में कि अच्छा प्रायोगिक अध्ययन कैसे आयोजित किया जाए। अभी इतना ही जान लीजिए, सेम स्टडी सेम टाइप ऑफ स्टडी वही अध्ययन अलग अलग शोध विकल्पों को अपनाकर और अलग अलग सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाकर किया जा सकता है। तो हमें चयन करना है कि प्रायोगिक अध्ययन के लिए सबसे अच्छा शोध विकल्प, सबसे अच्छा रिसर्च डिजाइन कौन सा है और सबसे अच्छी सांख्यिकीय तकनीक कौन सी है जिससे विश्लेषण किया जा सके, जो कि सांख्यिकीय नियंत्रण से परिपूर्ण सांख्यिकीय तकनीक हो। तो किसकी बात की, एक्सपेरिमेंट की। अगला सर्वे, साइज बड़ा है दर्शाया गया है इस प्रस्तुत इस स्लाइड में, क्योंकि सबसे अधिक यही किए जाते हैं। स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट, वर्तमान के आधार पर आंकड़े एकत्रित कर जो भी हम करते हैं, भविष्य का इंतजार नहीं करते हैं, वो कहलाता सर्वे। सर्वे वर्तमान का होता है, सर्वे ना तो भूतकाल का सर्वे होता है ना, कई बार हिस्टोरिकल सर्वेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हिस्ट्री का अवशेष तो आज के दिन है, सर्वे आज का हो रहा है, बेशक वो भूतकाल से संबंधित हो। तो स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट, लेकिन सर्वे स्टडीज कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज। विस्तार से अभी छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको विराम देते हैं, पूरा पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सर्वेज कैसे हो सकते हैं। अगला हिस्टोरिकल, सर केवल दो मिनट बस, नहीं तो इस स्लाइड को पूरा कर ले, नहीं तो एक केवल सर अगला हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्या है, पास्ट। बड़ी आप में से अगर इतिहास के हों, एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड हिस्ट्री। मैडम उसका लादेन का नाम सुना, सुना नहीं सुना, कितने लोगों को मारा, कितना नरसंहार किया, हिस्ट्री का पार्ट है, क्यों नहीं है, पार्ट है ना, इतना नुकसान कर डाला उसने विश्व में, इतिहास नहीं है। लेकिन लादेन ब्रेकफास्ट में कितने अंडे खाता था, कितनी चपातियां खाता था, कितना दूध पीता था, वो हिस्ट्री का पार्ट है क्या। एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। प्रत्येक इतिहास के, प्रत्येक भूतकाल की घटना इतिहास का निर्माण नहीं करती है, हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टडीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल पास्ट, अर्थपूर्ण, आपको योग के क्षेत्र में भी अर्थपूर्ण, सर ने कहा ना है दुनिया भर का लिटरेचर ऐसा है अर्थहीन बात है, अर्थहीन इतिहास के तथ्यों को लेकर आप कुछ करेंगे तो बेकार की बात है। यू हैव टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। मीनिंगलेस कॉन्टेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्चेस। आधारहीन बातों पर आधारित नहीं होता है, भूतकाल की घटना कोई मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, अर्थहीन ना हो। अगला कौन सा है, फिलोसॉफिकल रिसर्च, दर्शन अनुसंधान। दर्शन क्या है, बस केवल दो मिनट लूंगा, दो का पूरा करूं उसके बाद फिर टी ब्रेक होगा। क्या है भाई, आप तो फिलोसफी के ज्ञाता हो सभी योग के क्षेत्र के, फिलोसफी क्या है, हा? तो फिर दृश्य क्यों नहीं कहते उसको, दृश्य कहो ना, फिलोसफी क्यों कह रहे हो, कैसी बात करते हो, तो उसको दृश्य शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते फिलोसफी का, तो दृश्य और फिलोसफी में अंतर नहीं है क्या, अंतर नहीं, एंटायरली डिफरेंट है, अंतर नहीं बहुत अंतर है। सर ने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है, सर कैसी शर्ट है, बहुत बढ़िया। मैडम बगल में बैठी है, बैठी हैं, कह रही है क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, बहुत अच्छी कहां पर है, ये तो बहुत ही बहुत अच्छी है, डिग्री बढ़ा दी अच्छी से, बहुत अच्छा। सर कह रहे हैं मैडम आप भी कैसी बेकार की बातें कर रही हैं, और आप तो बेकार की बात कर ही रहे थे ना, तो ये बहुत अच्छी है ना, ये अच्छी है, ये तो अल्टीमेट है,
अल्टीमेट मीन दैट इज लास्ट, इस ब्रह्मांड में इससे अच्छी शर्ट बनी नहीं, दैट इज अल्टीमेट। अल्टीमेट शब्द का उपयोग कहां किया जाता, जहां बात खत्म, इस विश्व में एक ही शर्ट है, ऐसी शर्ट ना तो बनी कभी ना बनेगी, क्लियर हो गया अल्टीमेट। तो फिलोसफिकल रिसर्चेस हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टीमेट विजन, ऐसा दृष्टिकोण स्थापित कर देना जो कि आज के दिन अल्टीमेट है, वही फिलॉसफी है, योग फिलॉसफी में वही है जो आज के दिन अल्टीमेट है। ऐसा दृष्टिकोण बड़े बड़े शास्त्रियों का, बड़े बड़े विद्वानों का, जो आज के दिन अल्टीमेट है। तो कुल मिलाकर फिलोसफिकल रिसर्चेस किस पर आधारित होंगे, विजन, विजन भी कौन सा अल्टीमेट विजन। लेकिन बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने दो तीन शब्द और जोड़ दिए, बेस्ड ऑन विजन, बेस्ड ऑन व्यूज, बेस्ड ऑन आइडियाज, बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। द स्टडी इज बेस्ड ऑन विजन, व्यूज, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स इज नोन एज, एक बचा क्या, हाँ दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखिए सिद्धांतों की उत्पत्ति, सर केवल दो मिनट लूंगा बस, सिद्धांतों की उत्पत्ति दो तरह की होती है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। दार्शनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत पृथ्वी का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक वही रहेगा, नो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, कोई लोचता नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि सजा सच बोलो, विजन है ना महात्मा गांधी का, दृष्टिकोण है ना। तो सर हो सकता है कि कोई ऐसा घटित घटना हो जाए हजार साल बाद, झूठ बोलने वालों का तो इतना नुकसान होने लगे, वो भय की बचाव करना है तो सच मत बोलो, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। वो तो लोचता है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स में लोचता रहेगी। आ गया केस स्टडीज, किस पर हो सकती है, थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए, किस पर, व्यक्ति, केवल व्यक्ति तक सीमित है, संस्था भी हो सकती है, सर ने कहा व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, क्लास हो सकती है, कास्ट हो सकती है, इवेंट हो सकता है, घटना हो सकती है, अपरेटस हो सकता है, रिकॉर्डर पर हो सकता है, बिल्डिंग पर हो सकती है, इंस्टीट्यूशन पर हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर हो सकती है, कॉलेज पर हो सकती है। तो एक लाइन में हम कहें तो स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट, योग के क्षेत्र में किसी भी सामाजिक इकाई का चयन कीजिए, केस स्टडी कीजिए, होल स्टडी सेंटर्ड अराउंड ए केस, पूरा अध्ययन केंद्रित है एक केस पर। क्या नालंदा विश्वविद्यालय पर हो सकती है, नहीं हो सकती, द केस शुड बी अलाइव, अनिवार्य है, अदरवाइज दैट विल बिकम हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान का को आयोजित करने का तरीका अलग है, विधि अलग है, केस स्टडी को आयोजित करने की विधि अलग है। बाबा रामदेव पर आप कर सकते हो, पाठक सर पर आप कर सकते हो, पांडे जी पांडे सर पर आप कर सकते हो, लेकिन कोई भूतकाल में कोई थे वो मिक्स स्टडी होगी, हिस्टोरिकल प्लस केस स्टडी, पूर्णतः वो केस स्टडी नहीं कही जा सकती। अब अंतिम बात, किसको हमने छोड़ा था बीच में, सर्वे, सर्वे दुनिया भर की लाइब्रेरीज देश की भरी पड़ी हैं, कॉम्पेरेटिव सर्वे, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्र में योग अभ्यासों के प्रचलन का तुलनात्मक अध्ययन, कि वी कंपेयर इन बिटवीन टू एंड टू ग्रुप्स और मोर देन टू ग्रुप्स बाय टेकिंग एनी वेरिएबल्स। रिलेशनशिप स्टडीज, सहसंबंधात्मक अध्ययन, तुलना किसके बीच में होगी, समूह के बीच में, समूह मेल फीमेल में तुलना हो सकती है, अभ्यासकर्ता प्रैक्टिशनर्स नॉन प्रैक्टिशनर्स के बीच में तुलना हो सकती है किसी विचार को लेकर। लेकिन रिलेशनशिप स्थापित होगा इन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप ऑफ द रिस्क ऑफ कैंसर एंड लाइफस्टाइल, जीवन शैली और कैंसर के जोखिम का सहसंबंध, कि ऐसा जीवन शैली है तो कितने जोखिम में रह रहे हो आप, क्लियर हुआ। लेकिन एक बात सर के, सर कहेंगे मेरे पीछे पड़ गया है तो भाई, मेरा उद्देश्य केवल एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि दिमाग में बैठ जाए, कोई उद्देश्य व्यक्तिगत मत लीजिएगा, ठीक है। सर ने एक अध्ययन किया, सर ने कहा भाई, इन्होंने कहा कि राजीव चौधरी ने बताया था कि वेरिएबल्स के बीच में एस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है सहसंबंधात्मक अध्ययन। इन्होंने कहा कि मैं अध्ययन करूंगा रिलेशनशिप ऑफ इंटेलिजेंस एंड साइज ऑफ शू, जूते के आकार का बौद्धिक क्षमता के साथ सहसंबंध। और बाय चांस आ गया कि जूते के आकार और बौद्धिक क्षमता के बीच में सहसंबंध है, तो बड़ी अटपटी फाइंडिंग ये लिखेंगे, किसी को बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है तो बड़े आकार का जूता पहनना शुरू कर दो। इलॉजिकल भी तो हो सकती है। टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वी हैव टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, उसके बिना नहीं हो सकता। अगला है प्रिडिक्शन स्टडीज आर कंसिडर्ड एज बेस्ट, योग के क्षेत्र में उपयोग बहुत आवश्यक था आज के दिन।
मेडिकल साइंसेज वाले योग के क्षेत्र में प्रिडिक्शन स्टडीज कर रहे हैं, एम्स में देखिए आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जितने भी बायोमेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो योग को लेकर प्रिडिक्शन स्टडीज कर रहे हैं, प्रिडिक्शन स्टडीज। सर शादी होगी आप? मान लो होगी, मान लो ना, बच्चा भी हो गया, बेटा हो गया, बेटा 4 दिन का, आपके प्रगाढ़ मित्र हैं, बिल्कुल प्रगाढ़ बधाई देने पहुंचे हुए हैं, बेशक हम, आई हैव 2 डॉटर्स, मेरी भी 2 बेटियां हैं, हम कितना भी कहें बेटा बेटी बराबर, लेकिन आज भी देखने को मिलता है, बेशक कहें जश्न का माहौल है क्योंकि लड़का पैदा हुआ है, दादा दादी नाना नानी दुनिया भर के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, दोस्त भी बधाई देने पहुँचा हुआ है। कल्पना कीजिए बेड पर माँ लेटी हैं बच्चे की, इनकी पत्नी, इनका बेटा बगल में लेटा है 4 दिन का, एक कुर्सी पर सामने ये बैठे हैं और ये घूर के सब रिश्तेदारों को देख रहे हैं और बच्चे को भी देख रहे हैं, माँ को भी देख रहे हैं, और दोस्त से कहते हैं भाई यार तू तो बड़ा भाग्यशाली है। वो जवाब देते हैं क्यों, मैं क्यों भाग्यशाली हूँ, मैं लड़के लड़की हूँ फ़र्क नहीं समझता। इनका जवाब है कि मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं कह रहा आपको कि लड़के की बात, लड़के लड़की की बात नहीं है, भाग्यशाली इसलिए है कि तेरा बेटा बड़ा होकर 6.5 फुट का बनेगा, ऐसा कौन संतरियामी। कोई सिंपल सी बात है, दादा दादी नाना नानी भाई बहन सब बड़े लंबे लंबे हैं तो लंबा होना ही है, कि ही प्रिडिक्टेड अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन, ज्ञात के आधार पर ज्ञात की भविष्यवाणी कर डाली। मौसम विभाग रोग प्रिडिक्शन स्टडीज करता है कि प्रिडिक्शन, आज ह्यूमिडिटी इतनी होगी तो बारिश आएगी नहीं आएगी, तो इन दिस तो हाउ टू कंडक्ट प्रिडिक्शन स्टडीज, ये तो सिंपल से एग्जांपल था, बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, प्रिडिक्शन स्टडीज उत्तम श्रेणी की आती हैं यदि आप स्कोपस इंडेक्स, पबमेड इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, जो दो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रिकाओं में अपना शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हो तो बड़ी प्रबल संभावनाएं रहती है, यदि प्रिडिक्शन स्टडीज करेंगे तो प्रकाशित होगी, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंतिम चाय से पहले का अंतिम लाइन, डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक अध्ययन दुनिया भर का योग में भरा पड़ा है, बाय यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के माध्यम से, विचलन के मापों से, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस क्यूटोसिस, एक करेक्टराइज करते हैं ग्रुप को, जितनी भी प्रोफाइल स्टडीज हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं। तो ये कहानी थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की, टोटल कितने हम बात करना चाह रहे थे 3, कितनों की कर चुके हैं, 1 बचा है, सिंपल सा। चाय के बाद मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।